घर में रखा है गंगा जल तो भूल कर भी ना करें ये गलती। बैठे बिठाए बन जाएंगे आप पापी, ज्योतिषियों से जानिए इसके क्या है नियम। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीचर। जी हाँ, यदि आपके घर में भी गंगा जल रखा हुआ है तो आपको भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए, ज्योतिष इसके अनुसार क्या कहता है, वे बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सनातन धर्म में गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल वहाँ रखते हैं। कहा जाता है कि गंगा का पानी मोक्ष प्रदान करता है और इसका उपयोग पूजा, शुद्धिकरण, अभिषेक और कई धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में भी किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी धार्मिक या कार्य अनुष्ठान संपूर्ण नहीं किए जाते हैं, ना ही संपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन इसे रखने के लिए कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है, अन्यथा ये गंगा जल अपवित्र हो जाता है। ऐसे में वे कौन से कार्य हैं, वे कौन से नियम हैं जिन्हें गंगा जल रखने के लिए अपनाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहाँ पर अंधेरा रहता हो। गंगा जल एक बेहद ही पवित्र चीज़ है, इसलिए इसे रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने जहाँ पर गंगा जल को विराजित किया है वहाँ किसी तरह की भी गंदगी ना हो, यानी कि साफ सफाई करके ही गंगा जल को वहाँ स्थापित कीजिए। इसके साथ गंगा जल को भूल कर भी उस दिन हाथ नहीं लगाना चाहिए जिस दिन आपने मांस या मदिरा का सेवन किया हो। वैसे तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मांस मदिरा का सेवन करना पाप बताया गया है, लेकिन फिर भी यदि आपने सेवन किया है तो गंगा जल को हाथ ना लगाएं। साथ ही उस कमरे में भी गंगा जल को ना रखें जहाँ आप इनका सेवन कर रहे हैं, जहाँ आपने इसे बनाया है। इससे ग्रह दोष तो लगता ही है, साथ में आप पाप के भागीदारी भी बन जाते हैं। वहीं गंगा जल रखने का सबसे पवित्र स्थान घर का मंदिर माना गया है। जी हाँ, मंदिर के ईशान कोण में गंगा जल को रखना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से ईशान कोण लाभकारी होता है, यह दिशा धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होता है। वहीं मंदिर के साथ ही प्रतिदिन गंगा जल की पूजा भी आपको करनी चाहिए, इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आप पाप के भागीदारी बनने से बच जाते हैं। ऐसे में आज के समय में हर कोई गंगा जल को प्लास्टिक की बोतलें या फिर डिब्बों में भरकर अपने घरों में रखता है, लेकिन इस तरह से भूलकर भी आपको गंगा जल को प्लास्टिक के डिब्बों में नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि प्लास्टिक को शुद्ध नहीं माना जाता। गंगा जल को हमेशा किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए। गंगा जल रखने के लिए आप तांबा, पीतल, मिट्टी या फिर चांदी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें वास्तु की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी घर पर गंगा जल ला रहे हैं या पहले से आपके घर पर गंगा जल है तो इन नियमों का विशेष पालन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।